स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस द्वारा मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने शहर में विकास कार्यों का हवाला देने वाले भाजपा के जिन प्रतिनिधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। के चुनाव में तो इन्होंने घोषणा की थी कि ईश्वम शुगर सहकारी शुगर मिल के लिए, जो कि तत्कालीन संघ चालक देश के सुदर्शन जी, स्वर्गीय के सुदर्शन जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया था, और तत्कालीन ग्रामीण यांत्रिकी राज्य मंत्री अन्ना पाटिल जी उसके अतिथि थे। उस सरकारी शुगर फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ, चाहे बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी किसानों का खून कमाई का पैसा हो, चाहे खंडवा की कृषि उपज मंडी का हो, चाहे सनावद की हो, चाहे खरगोन की हो, वहाँ के पैसा शेयर के रूप में 5 साल का एग्रीमेंट करके लिया। आम किसानों से सोसाइटी के माध्यम से 5,000 का शेयर जबरन शेयर लेकर पैसा काटा गया, लोन दिया गया। शहर के आम प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी विकास का, रोजगार का सपना दिखाकर लोगों से शेयर लिए गए, और 2008 से 2018 हो गया, आज तक के उसका कहीं भी कोई ठिकाना। 1998 से 2018 20 सालों में कहीं भी विकास 4,000 करोड़ में हमको देखने को नहीं मिला। और जो किसानों का पैसा, जो जनता का पैसा, उस पैसे को स्वयं ने उपयोग करने का काम किया है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री ने 2008 में घोषणा की थी, 1998 में आपने इसका भूमि पूजन किया था, तो कहाँ गई वो घोषणा है, कहाँ गया आपका विकास। इस मौके पर पूर्व विधायक रविंद्र महाजन, इस्माइल अंसारी, अमर यादव, गोरी शर्मा, सरिता भगत, हर्षराज देवड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे।